सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 17 में, सॉरी पार्ट 18 में, यानी 18वें अध्याय में। और इसमें हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेन टूल के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में कहा था कि मैं इस अध्याय में जो है पेन टूल के बारे में बताऊंगा, जिसे फोटोशॉप की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि फोटोशॉप आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है, तो इसी टूल्स के कारण है। इसकी बहुत सारी विशेषता ऐसी है जो हर किसी टूल्स में नहीं होती। एक्चुअली इस टूल का वर्क होता है सिलेक्शन का। एक बारीकी से बारीक चीज को ये कटिंग करके ला सकता है, हमारे लिए कोई ज्वेलरी वगैरह हो उसको कट करके ला सकता है, और कितनी भी बारीक कटिंग हो जाए, कितने भी मल्टीपल कलर में इमेज हो, उसको बारीकी से कट कर देगा, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि कटिंग की हुई है उस चीज की, इस तरह से बारीकी से उसे कट कर देगा। तो मैं बताऊंगा आज इस टूल्स के बारे में। तो एक्चुअली ज्वेलरी जो इसकी बारीकी से कटिंग है वो मैं बाद में बताऊंगा जब एडवांस सीरीज में चलेंगे। इसमें मैं आपको इसके यूज बताऊंगा किस तरह से इसका यूज किया जाता है सिंपल, क्योंकि बेसिक सीरीज चल रही है, तो बेसिक नॉलेज में इस टूल्स का दूंगा आपको आज। तो चलिए सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरे पास एक इमेज है, आप देख रहे होंगे मेरे फोटोशॉप में, और यहाँ से आप देख रहे होंगे पेन टूल जो है मैंने सिलेक्ट किया। जैसे आप पेन टूल पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतनी इसकी प्रॉपर्टीज में सारे टूल्स जो है आ रहे हैं। एक्चुअली इन टूल्स का यूज क्या होता है, इन टूल्स का यूज इस टूल्स को यूज करते हुए ही होता है। मतलब इसको इसके अंदर जो है ऐड करने के लिए, इसको कट करने के लिए, इसको थोड़ा जोड़ने के लिए, हैंडल को डिलीट करने के लिए, तो इन टूल्स के बारे में हम नहीं जानेंगे। इनकी मैं सिंपली शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि यदि मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बताने लगा एक एक के बारे में तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी और वर्किंग बहुत ही धीरे होगी आपकी। तो हर एक स्टूडियोज भी हम ऐसे लेते हैं यूज में, वैसे तो जो बड़े बड़े स्टूडियो वो ही इस टूल्स का यूज करना जानते हैं, सभी नहीं जानती, क्योंकि अक्सर जो स्टूडियोज होते हैं वो लास्ट टूल का यूज लेते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस पेन टूल को बताऊंगा कि कटिंग के लिए सही टूल जो है पेन टूल ही होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज में आ रही है उनका यूज शॉर्टकट्स के जरिए हम करते चलेंगे कहां पर इनका यूज होता है। इसलिए पेन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल एक्चुअली क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एंकर पॉइंट डाल दिया, ये एंकर पॉइंट जैसे आपने पर डाल दिया, देखिए आप क्लिक करते हैं इस तरह से जो पॉइंट बनता है उसे एंकर पॉइंट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बनाया भी आएगा एंकर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एंकर पॉइंट डालना होता है। तो अब क्या करेंगे, इस जो एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन गई इस तरह से, देखिए एक सीधी लाइन बन गई। ये देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से देखिए आप देख रहे होंगे ये वाली जो सीधी लाइन है वो बन चुकी है। तो ये तो कोई खास बात हुई नहीं कि ये तो लासो टूल, सिलेक्शन टूल, मैजिक टूल, उनसे भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से जो घुमाव आ रहा है वो आप इससे बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। बारीकी से बारीक जो राउंड होता है उसको भी आप सिलेक्ट करते हुए चल सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से आप सिलेक्ट करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जो लासो टूल था, मैजिक टूल था, उन टूल्स में भी कटिंग करना बताया था इरेजर टूल के साथ। एक्चुअली इरेजर टूल तो सिंगल बैकग्राउंड को क्लियर रिमूव कर सकता है, हालांकि जो इसके पीछे बैकग्राउंड उसको कलर चेंज कर सकता है, लेकिन मल्टी कलर को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन लासो टूल कर सकता है, लेकिन उससे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही खींची जाती है। मैंने लासो टूल का आप जैसे आप देखोगे पिछले वाले जो अध्याय है आप उन्हें देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, सभी टूल्स के बारे में अच्छे से बताया है। तो हम पेन टूल पर चल रहे हैं अभी, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी, ये तो कोई खास बात हुई नहीं। अब खास बात इसकी क्या होती है, हम इसे राउंड अप से राउंड दे सकते हैं। एक्चुअली राउंड किस तरह से देंगे, तो आप यहां से यहां तक का राउंड आपको लेना है तो फर्स्ट क्लिक तो यहां पर करना होगा, सेकंड क्लिक यहां पर करना होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर राउंड है फिर यहां नीचे से राउंड है फिर यहां ऊपर से राउंड है, तो सिंपली आप यहां पर क्लिक कर दो और फिर आप यहां से इसे गोलाई देना चाहते हो, आप इस तरह से नहीं दे सकते। आप एक राउंड का जो फर्स्ट कॉर्नर है उसके उसी राउंड के सेकेंड कॉर्नर तक आपको सिलेक्ट करते हुए चलना है, जैसा कि मैं बताऊंगा। तो आप ऐसे सिंपली क्लिक करते हुए जाओगे तो स्ट्रेट खींची जाएगी लाइनें सीधी इस तरह से। अब इसको कंट्रोल एल्ट जेड कर दीजिए और फिर से आ जाते हैं अपने फर्स्ट एंकर पॉइंट, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए किस तरह से देना है, यहाँ से जैसे एंकर पॉइंट ले लिया पहला एंकर पॉइंट, और दूसरा एंकर पॉइंट आपको लेते समय ध्यान रखना है माउस के क्लिक को छोड़ना नहीं है, क्लिक करते हुए चलना है। ये देखिए क्लिक किया और इसको थोड़ा सा साइड में लेकर चलना है, तो इस तरह से आपके सामने एक हैंडल आ जाएगा। इससे आप चाहे जितनी देखिए, जैसे आप इसे बड़ा लेते हैं तो बड़ी जो दूरी है वो सिलेक्ट करता है, जैसे आप इसे छोटा लेंगे तो छोटी दूरी सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ से इतनी चाहिए हमें गोलाई, तो इस तरह से इतनी गोलाई ले लेगा।
अब एक्चुअली हम जैसे ही आगे क्लिक करते हुए चलते हैं तो ये यहाँ से हमें डिस्टर्ब करेगा, तो हैंडल को डिलीट करना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हैंडल को डिलीट करते हुए एक्चुअली हम हैंडल को डिलीट करने के लिए एल्ट की का यूज करेंगे, और एल्ट की को यूज करते ही इसकी प्रॉपर्टी में जो और टूल थे वो आ रहे हैं। ये एल्ट का यूज उन टूल्स का ही यूज हो रहा है जो मैंने कहा था शॉर्टकट से सीखेंगे, तो ये शॉर्टकट उनकी ही है। तो एल्ट क्लिक करते देखिए एक नीचे इस तरह का चिन्ह आ जाएगा आपके पास। एल को क्लिक करते हुए देखिए इस जो माउस पॉइंटर है उसके पास में एक चिन्ह आ रहा है इस तरह की आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हैंडल हट चुका है। अब आप आगे चलेंगे तो आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अब यहाँ तक आपको एक राउंड अप देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हुए रखेंगे, बिल्कुल क्लिक करते हुए इस तरह से रखेंगे, और नेक्स्ट हैंडल जो है इस तरह से निकल के आएगा आपके पास, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इतना लेना चाहिए इतना ले लीजिए, इतना ले लेकिन हमें कितना लेना है इतना ही लेना है इसके हिसाब से, और छोड़ दीजिए और एल्ड को फ्रेश करते हुए रखिए। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बहुत ही फास्टली वर्क कर सकेंगे। ये देखिए यहाँ से अब हैंडल को डिलीट करना है, एल्ड को फ्रेश करते हुए रखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। सॉरी पीछे वाला हैंडल जो है डिलीट हो चुका है, तो मैं इसको कंट्रोल जे कर देता हूँ, और यहाँ से आप पीछे वाला भी हैंडल कर सकते हैं पीछे क्लिक करके, और आगे वाला कर सकते हैं आगे क्लिक करके। सिंपल है, ये फिर से पीछे वाला हो गया, सॉरी यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आगे वाला हैंडल आपको डिलीट कर देना है। और हमें नेक्स्ट घुमाव यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर थोड़ा राउंड अप चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते हुए क्या करेंगे इस तरह से क्लिक करते हुए माउस को छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह से देखिए निकल कर आ गया राउंड अप। ये देखिए राउंड अप निकल के आ गया। अब इस हैंडल को हमें डिलीट करना है एल्ड को फ्रेश रखते हुए। ये देखिए हैंडल डिलीट हो गया। अब सिंपल यहाँ से मैं क्लिक करते हुए चलूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई खास राउंड अप देना नहीं है। वैसे आपको तो देना चाहो तो दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा राउंड है, लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी। मेरा मकसद था आपको राउंड देना सिखाना, इस पेन टूल के बारे में बताना, तो इतना बारीकी से नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी बनती जाएगी जो कि आपके समय की बर्बादी होगी फिर, और मैं वो चाहता नहीं। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट थोड़ा सा घुमाओ, यदि यहाँ पर आ रहा है तो क्लिक करते हुए रखिए और यहाँ से थोड़ा सा इसका घुमाव दे दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा दे दीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, और इसको आप इतना घुमाव दे दीजिए, हो गया। और एल्ट को फ्रेश तक रखते हुए हैंडल को डिलीट कर दीजिए। सॉरी पीछे वाला हैंडल फिर से डिलीट हो गया, और यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरह से आप इसको डिलीट कर दीजिए। और अब नेक्स्ट घुमाव यहाँ पर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह से आपको राउंड ले लेना है। क्लिक करते हुए याद रखिए माउस को छोड़ना नहीं है वरना आपका जो राउंड है वो ठीक से नहीं लगेगा, और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए छोड़ दीजिए और एल्ट को फ्रेश रखते हुए, एल्ट को आपको फ्रेश ही रखना है, और एल्ट को फ्रेश रखते हुए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। सॉरी पीछे वाला हैंडल जो है डिलीट हो गया फिर से। सर पीछे वाला हैंडल यहाँ पर इस बार डिलीट नहीं हुआ, पीछे क्लिक करने के बावजूद जो है पीछे वाली जो लाइन्स है वो डिलीट हो चुकी है, तो आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना है इसका। एक दो बार जैसे आप करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, मैं प्रोमिस करता हूँ आपसे। तो इस तरह से आपको करना है और इसको सिलेक्ट करते हुए आपको चलना है। तो बहुत ही सिंपल है ये तरीका, हैंडल को डिलीट करते हुए जरूर चलेगी क्योंकि हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और क्लिक को छोड़ना नहीं है, और यहाँ से हम क्लिक करते हुए चलते हैं। ये देखिए छोड़ना नहीं है, इस तरह से आ गया, और ये देखिए इतना ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा राउंड थोड़ा आगे ले लिया तो पीछे वाला अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप लेने की कोशिश जरूर करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा करके ले लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए आ गया, और अब एल्ट को फ्रेश करते हुए हम क्या करेंगे इसको फिर से डिलीट करेंगे, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर अब सिंपली सीधा ही है, ज़्यादा राउंड अप है नहीं, तो मैं राउंड नहीं दूंगा। तो आपको यहाँ पर यदि राउंड देना है तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद यहाँ पर भी राउंड आना चाहिए था, लेकिन वीडियो लंबी न बने इसलिए मैं आपको हर जगह राउंड देकर नहीं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर राउंड देना चाहिए, ओके। तो यहाँ से इतना क्लिक कर दीजिए, ये देखिए क्लिक हो चुका, और उसके बाद में इस हैंडल को आपको एल्ट को फ्रेश करते हुए डिलीट कर देना है। ये देखिए, और आपको यहाँ पर अब देखिए थोड़ा राउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करते हुए आपको रखना है, और क्लिक करते हुए आप रखोगे तो इस तरह से हैंडल आ जाएगा, और इस तरह से करना है, वो फिर से एल्ट से आपको डिलीट कर देना है। ये देखिए यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, फिर यहाँ पर राउंड आ रहा है, क्लिक करते हुए रखिए और हैंडल ले लीजिए, इस तरह से हैंडल आ जाएगा, और हैंडल आ गया। और अब आपको एल्ट को फ्रेश करना है और इसको डिलीट कर देना है इस तरह से, और यहाँ से आपको एक और राउंड यहाँ पर तो सिंपली है, तो मैं थोड़ा सिंपली ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत है लेकिन आपको मैं लेकर नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो फिर इस तरह से लंबी हो जाएगी, समझाते समझाते चलूंगा तो।
इस तरह से आपको ले लेना है, एल्ट को फ्रेश करना है और यहाँ से इसको क्या है डिलीट कर देना है। और यहाँ पर थोड़ा राउंड आ रहा है तो आपको यहाँ पर भी फ्रेश करते हुए रखना है और इस तरह से हैंडल को लेना है और एल्ट को फिर से फ्रेश करना है, इसी तरह से डिलीट करते हुए चलना है। तो इसी तरह से आपको सारे जो पार्ट है सिलेक्ट करते हुए चलने हैं और बहुत ही अच्छे से आप इसकी राउंडिंग दे ताकि ये बहुत अच्छा लगे और आपकी कटिंग बारीकी से होती चले। तो आप इसके जो पॉइंट्स है आसानी से दे सकते हैं, पाथ सिलेक्ट हो जाएगा और जो सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट करते हैं ना वो एक सिलेक्शन बनता है, लेकिन यहाँ पर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक पाथ बना रहे हैं, हम बहुत ही बारीक पाथ बनाते हुए चल रहे हैं तो इसे पाथ बोलेंगे। जो सिलेक्शन होगा वो भी इससे सिलेक्शन बनाएंगे। ये तो एक सिंपली पाथ है, जो है बॉर्डर है इसके चारों ओर, ये मान लीजिए कि इतना जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक बॉर्डर के रूप में सिलेक्ट है। यहाँ से भी आपको घुमाव देते हुए चलना है, अच्छे से सिलेक्ट करते हुए बारीकी से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार बहुत टाइम लगता है इसमें, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा फास्ट है, उन ग्लास टूल से भी ज्यादा फास्ट, लेकिन आपको थोड़ा सा फास्टली इसमें वर्क करना सीख जाओगे। एक या दो बार आप वर्क करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप आसानी से सीख जाओगे कि आपको किस तरह से इसमें वर्क करना है। और हैंडल को डिलीट करना ना भूले, अच्छे से डिलीट करते हुए आप चले और इस तरह से आप बारीकी से सिलेक्ट करते हुए इसको चलते जाइए। मैं यहाँ पर राउंड अप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम लग जाए। देखिए यहाँ पर राउंड और यहाँ पर अब मुझे राउंड देना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ फिर से और क्लिक करते हुए हैंडल को लेकर आ जाते हैं और इस तरह से जितना चाहिए हम इस तरह से दे देंगे और यहाँ से एल्ट को क्लिक करेंगे। एक्चुअली दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से स्टूडियोज के पास कि यार बैकग्राउंड बहुत अच्छा चेंज करते हैं, वो स्टूडियोज के पास यही खासियत होती है। खासियत उसके पास कोई स्पेशल मशीनों की नहीं होती, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की खासियत होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए थोड़ा राउंड आ रहा है तो इस पर क्लिक करते हुए हैंडल ले आएंगे हम और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे। देखिए पूरी कोहनी अच्छे से आ रही है और यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ पर, सॉरी इसको एल्ट पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है और यहाँ पर हम लाकर इसको मिला देंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, बारीकी से देखिएगा, ये देखिए मैंने सिलेक्शन सॉरी एंड कंट्रोल एल्ट से जो है इसका सिलेक्शन बना लिया है तो ये एंटर दबा दिया तो सिलेक्शन हो गया है। बार कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एक बार फिर से, तो आप देखेंगे बारीकी से देखिएगा, ये देखिए इसके चारों तरफ जो हेयर्स के चारों तरफ है, फिर यहाँ पर देखेंगे ये देखिए लाइन से पाथ जो है सिलेक्ट हो चुका है। इस तरह से देखिए इस तरह से पाथ सिलेक्ट हो चुका है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो फिंगर्स वो अच्छे से नहीं आई क्योंकि मैंने जूम ली नहीं किया था, आप वो समझाने के लिए किया है। और सिंपली कंट्रोल माइनस कर देते हैं इसको वापस और इसको जो है सिलेक्शन बना के देखते हैं किस तरह से होता है। एक इसकी प्रॉपर्टीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको जो सिलेक्ट जब पाथ बनाए तो इस पर क्लिक करते हुए बनाइए, जो यहाँ पर जो पाथ है उस पर क्लिक करते हुए बनाइए, ना कि इस पर क्लिक करते हुए, इस पर क्लिक करते हुए जो पाथ है उस पर क्लिक करते हुए बनाइए तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ से जो है मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास, सॉरी यहाँ पर तो नहीं रहा क्योंकि जो है मैंने वहाँ से प्रॉपर्टी चेंज की तो वह हट गया। यहाँ से अब आप देखोगे मेक सिलेक्शन और मेक सिलेक्शन से पहले आप यहाँ पर क्लिक करते हुए चलते हो तो आपका इस तरह से पाथ तो बन जाएगा लेकिन सिलेक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हुए आप रखें और यहाँ से कंट्रोल एल्ट जेड करके मैं फिर से वो पाथ ले लेता हूँ और यहाँ से आपको क्या करना है मेक सिलेक्शन बनाना है। अब यहाँ से आपको फेदर मांगेगा तो दो या एक तीन जितने आप देना चाहिए वो फेदर दे दे। इस तरह से देखिए आपका सिलेक्शन बनकर आ चुका है और अब सिंपली कुछ नहीं करना, कोई वाइट फाइल ही मेरे पास ये वाली फाइल है मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा मूव करते हुए चलते हैं। एक्चुअली क्या होगा कि दोस्तों इसके चारों ओर जो है वो भी सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट हो चुका है तो आप इस एरिया का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मूविंग टूल्स की सहायता से ले लेंगे। लेकिन मैंने जो डबल लेयर पर काम नहीं किया इसलिए ये इस तरह का वर्क कर रहा है, बाकी आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा यदि आप इस पर वर्क जो है लेयर्स पर करते हैं, तो मैंने लेयर्स पर नहीं किया था इसलिए थोड़ा सा देखिए ये पूरा सिलेक्ट होते हुए हमारे पास चल रहा है। तो आपका सिलेक्शन इस तरह से बन जाएगा और इसकी कटिंग आप इस टूल से बारीकी से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बारीकी से आप इसकी कटिंग जो है कर पाएंगे और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से आप इसके जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसका सिलेक्शन कर पाएंगे और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड को जो है अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। और यहाँ से जो आपको है और प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंट्रोल एल्ट जेड करते हैं और इस पर चलते हैं और कंट्रोल एल्ट जेड करते हैं और तो सिलेक्शन पर वापस आ जाते हैं एक बार के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पर आप इनका यूज कहाँ पर करेंगे, तो आप इनको एंकर जोड़ने के लिए, बीच में से आपका कहीं पाथ खराब हो तो पूरे पाथ को डिलीट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्लिक करके यहाँ से किसी पाथ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर लेना है, ऐड पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई पाथ जोड़ना है मुझे
यहाँ पर कोई पाथ जोड़ना है तो सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर एड पर क्लिक कर दिया और ये देखिए आपके सामने इस तरह से एक पाथ बन चुका है, ये देखिए ये देखिए। तो आपको इस तरह से सिंपली इसको क्लिक करना है अंगुली को लेने के लिए। इस तरह से आप इसको बारीकी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसको सीखने के लिए। और आप लेयर्स पर वर्क करें, लेयर्स पर वर्क करना मैंने पहले सिखाया था। इस तरह से देखिए मेरे में जो गड़बड़ हो रही है वो लेयर्स के कारण हो रही है, तो आप लेयर्स का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन करना मैंने इसमें सिखाया है और बैकग्राउंड आप काफी अच्छे से इसका जो है चेंज कर पाएंगे। और आपको क्या करना है, अब सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपली यहाँ पर लाके आपको इसको छोड़ देना है, तो आपको इस तरह से अच्छे से वर्क हो जाएगा इसका जो है। अब सिलेक्शन बना लेना है हमें, और सिलेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और मे के सिलेक्शन पर आप क्लिक कर दीजिए, या फील पाथ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पाथ होता है वो फील हो जाता है। लेकिन इस ऑप्शन का कोई खास यूज नहीं है, इसका यूज होता है एक्चुअली जब एडवांस सीरीज में हम सीखेंगे वहां पर, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखना। तो आप सिंपली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे, या फिर इसके शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस एंटर आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और ये फेदर आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा, एक बार आप परमानेंट सिलेक्ट कर दीजिए फेदर। यदि फिर आपको कम लगे या ज्यादा लगे तो आपको क्या करना है, सॉरी ये मेरे विंडोज में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो यहाँ पर तो आप ओके कर दीजिए। यदि आपको सिलेक्शन यहाँ पर कम लगे तो यहाँ पर सिलेक्ट पर जैसे जाओगे यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आएगा फेदर, या इसके शॉर्टकट की शिफ्ट F6 का यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप रहने दीजिए इसे। और अब आपको इसको सिलेक्शन को सिंपली मूव करके लेकर चले जाना है किसी भी फाइल पर, बहुत ही बारीकी से जो है ये रिमूव हो जाएगा। और इसको क्लोज कर दीजिए और इस तरह से आप देखेंगे, ये मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करके बताता हूँ। अब हम इससे जो है बैकग्राउंड चेंज करना सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं देख लीजिए इसको कलरफुल करके बता देता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन जो है सारा हो चुका है लेयर्स पर काम करने के नए वजह से। तो हम सिंपली ब्रश टूल का यूज करते हैं इसको जो है फिल करने के लिए, और ब्रश टूल का यूज करेंगे। ये जो इश्यू आ रहा है मेरे विंडोज में आ रहा है, ये फोटोशॉप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही आने लग गया, आज मैं इसे आज ठीक कर दूंगा, थोड़ी सी माफी चाहूंगा, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए। और ये मान लीजिए आप ब्रश टूल को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन एरिया में जो कलर फिल होगा यहाँ पर, मान लीजिए हमें कोई कलर फिल करना है, ग्रीन वाला फिल कर लेते हैं ये वाला, और यहाँ पर सिलेक्ट जो फिर बैकग्राउंड कलर में होगा वही यहाँ पर फिल होगा। मैंने ब्रश टूल के बारे में जब समझाया था ये बातें सारी बताई थी आपको, तो आपको सिंपल इस तरह से जो है क्लिक करके इसको देखिए बारीकी से जो आप इसे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड को, बहुत ही बारीकी से। और आप जब अब इसका फील देखोगे तो बहुत ही अच्छे से होगा, ये देखिए अब आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड जो है चेंज बहुत ही अच्छे से हुआ है, बहुत ही खास तरीके से हुआ है। और अब देखते हैं फेदर का क्या उपयोग होता है वो भी देख लीजिए। वैसे फेदर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, कंट्रोल डी करके इसको डिसलेक्ट कर दीजिए। और अब आप देख रहे होंगे इसकी जो बारीकी से जो इसका बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ हो, यहाँ पर जो है जो कलर है जो उसका मैच होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो कमाल है वो है फेदर का कमाल, जो आपको मैंने अलग वीडियो बनाई थी उसमें भी समझाया था। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो इसका जो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसमें आप इसका यूज ले सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसको सीखने का। और आप इसका ही सिलेक्शन के अंदर यूज करें, और बैकग्राउंड चेंज करने में भी आप इसका ही सबसे ज्यादा यूज ले। अब आपको यहाँ से सिंपली इसको रिमूव करते हुए भी आप ले सकते हो, लेकर चलना चाहो तो। और यहाँ से याद रखिए आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज प्लीज। और यहाँ से इस तरह से आपके सामने जो लेयर आ चुकी है, और अब ये बैकग्राउंड लेयर पर हमको भी वर्क नहीं करते, लेयर पर वर्क करते हैं तीसरे अध्याय में, इसलिए बताया था कोई मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।